हरे हंस सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपकारी है तिनको स्वरूप जाने लागते भाई जो भक्ति काय को न पाई स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तीन सप्तव्यसन बहुत ही सुंदर और मार्मिक चर्चा इन सप्तव्यसनों के स्वरूप के संदर्भ में यहाँ दी गई है। आधार है उसका कलवर पंडित बनारसी दास जी और उनका समयसार नाटक, नाटक समयसार। आप जानते हैं बनारसी दास जी कौन थे, क्या व्यक्तित्व थे? बनारसी दास जी का नाम तो सबने सुना है, हमने शायद पिछले समय में भी आप लोगों से कुछ बात की थी। इनका नाटक समयसार हमने यहाँ 2002-2003 में चलाया था, नाटक समयसार पूरा। बहुत ही सुंदर और मार्मिक रचनाएं हैं। बनारसी दास जी अकबर के राज दरबार में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, ऐसा सुना है हमने कि महाराजा अकबर के साथ में शतरंज भी खेलते थे कभी कभी। कौन थे, क्या थे, इनकी कुछ चर्चा यहाँ व्यक्तित्व कर्तृत्व के रूप में पढ़ते हैं और फिर हम चर्चा करेंगे हमारे जीवन की विकृतियों की, सप्त व्यसनों की। जगत के जीवों के जीवन में जो सप्त व्यसन दिखाई देते हैं वे व्यसन कितने बड़े पाप हैं, वे व्यसन कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हम लोग भूल कर जाते हैं, गलतियाँ कर जाते हैं, उसकी व्यवहार सहित निश्चय या निश्चय सहित व्यवहार उनका सुमेल बैठाते हुए बनारसी दास जी ने यहाँ सुंदर चर्चा की है। देखिए यहाँ वितरण विज्ञान पाठमाला भाग 2 और पेज नंबर है 25, सप्त व्यसन पाठ का नाम, आधार कविवर पंडित बनारसी दास जी, व्यक्तित्व कर्तृत्व। अध्यात्म और काव्य दोनों क्षेत्रों में सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त पंडित बनारसी दास जी 17वीं शताब्दी के रस सिद्ध कवि और आत्मानुभवी विद्वान थे। काव्य कला इनकी बेजोड़ थी। मैंने पहले भी आपसे शायद कही है ये बात कि बनारसी दास जी ने जिस समय नाटक समयसार की रचना की और काव्य रचनाएं जब ये किया करते थे तो गली मोहल्लों और बाजारों में युवा वर्ग के लोग भी इनकी काव्य रचनाओं को गुनगुनाते रहते थे। संगीत के नाम पर, म्यूजिक के नाम पर यही चर्चाएं चलती थी, यही गुनगुनाते थे लोग। फिल्मी गाने तो कुछ थे नहीं, पर ये जो काव्य बनते थे इन काव्य की चर्चाएं उनके जगत जनों के दिलो दिमाग में, मन में, मानस में घूमती रहती थी। 17वीं शताब्दी का मतलब 1600 कुछ। अभी लिख रहे हैं यहाँ आपका जन्म श्रीमाल वंश में लाला खरग सेन के यहाँ विक्रम संवत 1643 में। पुरानी में 1603 है, यहाँ मेरी पुस्तक में 1643 है। खैर कुल मिलाकर के ऐसा समझ लीजिए 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, जब इनका
जन्म हुआ। माघ सुदी एकादशी रविवार का दिन था वो, उस समय इनका नाम विक्रमजीत रखा गया था। ये बनारसी दास जी का जन्म का नाम विक्रमजीत, और बाद में फिर ये बनारस की यात्रा के लिए गए और वहाँ ठहरे, और पार्श्वनाथ भगवान की वो जन्मभूमि थी वाराणसी के नाम पर इनका नाम, आस पड़ोस वाले लोगों ने, साथ में यात्रा करने वाले लोगों ने इनको बनारसी दास कहकर के पुकारना शुरू किया और इनका नाम बनारसी दास हो गया। ऐसा भी हो सकता है वहाँ यात्रा के दौरान इन्होंने बनारस नगरी में बनारस की कुछ घटनाओं को अपनी विद्वत्ता को उस रूप में प्रस्तुत किया हो। अपने तीर्थंकर 23वें पार्श्वनाथ भगवान, उनके जीवन चरित्र आदि की कुछ घटनाओं को विशेष रूप से बतलाया हो, या बनारस की विशेष रूप से इन्होंने महिमा बतलाई हो अपने व्याख्यान और उद्बोधन के माध्यम से। तो साथ में यात्रा करने वाले लोगों ने अल्प उम्र में ही इनका नाम बनारसी दास रख दिया। अरे राम, बनारस की क्या, हमको तो पता ही नहीं था बनारस नगरी के बारे में। वो कौन जिनके हृदय में बनारस की इतनी महिमा थी, बनारस के दास, बनारसी दास। तो लोगों ने कुछ ने मजाक में, किसी ने कुछ में, लेकिन उनका नाम फिर बनारसी दास पड़ गया। आप अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, आपने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, ये सब लिखित है, प्रामाणिक है ये सब, क्योंकि बनारसी दास जी ने स्वयं ने लिखा है। अभी करेंगे देखो बात, अपन अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, आर्थिक विषमता का सामना भी आपको बहुत बार करना पड़ा था, मंत्र तंत्र के चक्कर में उलझ गए थे, देवी देवताओं के चक्कर में उलझ गए थे, ये बड़े ऊटपटांग कामों में लग गए थे, फिर बाद में समझ आई तो सब बातों को इन्होंने छोड़ा। पाप कर्म का उदय, पुण्य का उदय, परिस्थितियां अनुकूल से प्रतिकूल, प्रतिकूल से अनुकूल, बहुत तरह की परिस्थितियां इनकी लाइफ में बनती रही। इनकी लाइफ में एक साथ 3 घटनाएं घटी थी एक ही घर में, और उसका चित्रण करते हुए इन्होंने अपने अर्धकथानक नामक ग्रंथ में, अभी इनके कृतित्व की बात करेंगे ना, कौन कौन सी कृतियाँ हैं, तो अर्धकथानक एक ऐसी रचना है बनारसी दास जी की जिसमें इन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, अपनी लाइफ के बारे में लिखा है, कहाँ थे, क्या हुआ, कैसे कैसे ऐसे क्या, अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी। आज यदि आपको अपनी जीवनी के बारे में लिखने के लिए कहा जाए तो आप अपने कोई भी माइनस पॉइंट नहीं लिखेंगे, क्या प्लस पॉइंट लिखता है व्यक्ति, अच्छाइयाँ लिखता है, बुराइयाँ तो बोलना, दिखाना, बताना, वो भी रिटर्न में, कौन करता है ऐसा काम। हिंदी साहित्य में सबसे पहली आत्मकथा है, हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूँ मैं। आज यदि यूनिवर्सिटी में जाकर के हिंदी डिपार्टमेंट में चर्चा की जाए, सबसे पहले अपनी लाइफ स्टोरी अपनी ही हैंडराइटिंग में यदि किसी ने लिखी है तो वे बनारसी दास जी थे। हिंदी साहित्य में इनका एक बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा नाम है बनारसी दास जी का। आत्मकथा तो और बहुत लोगों ने लिखी इनके बाद, तो गांधी जी की आत्मकथा भी हमारे कोर्स में थी, उन्होंने भी लिखी आत्मकथा। तो इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से अपनी विकृतियों के बारे में भी, अपनी कमियों के बारे में भी लिखा। उसमें एक छंद प्राप्त होता है, क्या, पुत्र जन्म नानी मरण, क्या पुत्र का जन्म हुआ और नानी का मरण हुआ, पुत्र जन्म नानी मरण और पुत्र वधु आगमन, तीनों कारज एक दिन भय एक ही भवन। तो समझ में आया क्या, एक ही भवन में एक ही दिन, एक का जन्म, घरों में जन्म होते थे, घर में मरण, क्या जिस दिन जन्म उसी दिन किसी और का मरण और उसी दिन विवाह, ये तीनों काम एक ही दिन एक ही घर में हुए। ये ऐसी परिस्थिति बनारसी दास जी के घर में रही, ये वो बनारसी दास जी थे। ये बनारसी दास जी वो ऐतिहासिक महापुरुष हुए हैं जिनके बारे में यह बात प्रसिद्ध है कि इन्होंने घर में चोरी करने आने वाले चोरों की सहायता की थी। क्या बात करते हो साहब,
चोरी को बढ़ावा दिया आपने, चोरों की हेल्प करना, कृतकार्यता अनुमोदना एक समान फल लगता है। अरे भाई हेल्प मतलब घर में से गेहूं की बोरियां चुरा करके ले जा रहे थे, चार चोर थे, बोरियां चुरा करके ले जा रहे थे, अब दीवार फांदनी थी, हैं, एक ने दूसरे पहले वाले का हेल्प किया, फिर दूसरे ने उसका हेल्प किया, उसने उसका हेल्प किया, अब जो लास्ट वाला बोरी लेकर के और वो उछलना चाहता था गेहूं की बोरी लेकर, वो क्या करता, तो बनारसी दास जी को पता लगा तो पीछे से आकर के उसको चढ़ा दिया। बाद में चोरों ने जाकर के जब घर विचार किया, घर जब पहुंचे तो चोर की माँ ने कहा कि कहाँ चोरी करके लेकर के आया ये, जब सारी बात सामने आई तो पता लगा कि ओहो, तो निश्चित रूप से उन पंडित जी के यहाँ चोरी करके लाया है। दूसरे दिन गेहूं की बोरियां वापस पहुंचाई उनके घर, वो बनारसी दास जी थे। ये वही बनारसी दास जी थे जो समय सार पढ़ करके स्वच्छंद हो गए थे, समय सार पढ़ करके एकांतवादी हो गए थे, समय सार पढ़ करके निश्चयवासी हो गए थे, और बाद में गोमट सार पढ़ करके लाइन पर आए। ये बनारसी दास जी थे, समय सार के बहुत मर्मज्ञ थे। देखो इन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, आर्थिक विषमताओं का सामना भी इनको कई बार करना पड़ा, पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं था। और सुनो, आपकी तीन शादियां हुई और नौ संतानें, सात पुत्र और दो पुत्रियां, एक भी जीवित नहीं रही, क्या सबके सब मरे? बोलो। इनको निर्देश दिया, पहली पहला संतान मर गई, दूसरी संतान मर गई, लोगों ने खूब समझाया कि वो और कैसे मरी, कि वो चेचक हो गई, कुछ ऐसा हो गया, बीमारी महामारी सहित, तो बोले तुम ये शीतला के जाकर के पानी चढ़ाओ, क्या तुम्हारा बच्चा बच जाएगा। नहीं किया, मरे तो मरे कोई बात नहीं। तीसरी संतान मर गई, फिर लोगों ने कहा कि देख अब चौथी हो रही है, क्या अब ये काम करना। चौथी संतान मर गई, पांचवी संतान मर गई, नौ पुत्र पुत्रियां मर गए, लेकिन उसके बावजूद भी बनारसी दास जी ने वो गृहित मिथ्यात्व का पोषण और सेवन नहीं किया। अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना, यदि बनारसी दास जी की जगह हम होते तो क्या करते। बोलो है? क्या लगता, क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं। अरे जिसकी जितनी आयु होगी, जिसकी जितनी उम्र होगी, उतना ही तो जिएगा। शांति विधान करने से बच जाएंगे क्या बच्चे? बोलो। लोग करवाते हैं इस तरह की बातें। अभी मैंने वहां जनता कॉलोनी में विधान था, हमने विधान किया था वहां आठ दिन अष्टानिका में। तो उसके बाद में मेरे पास में कही किसी ने कि साहब हमारे यहाँ घर में आपको विधान कराना है, घर में करा दूंगी क्या, थोड़ी अशांति है। मैंने कहा हम नहीं कराते, आपकी गृह शांति के लिए विधान नहीं कराते हम। मंदिर में हो, सही भावना से हो, तो फिर विधान करेंगे, कराएंगे, हम भी लाभ लेंगे, लेकिन मान्यता उल्टी हो तो फिर क्या होगा। इससे लौकिक भलाई की बातें सोचना चाहना, ये कितना प्रेरणादायी दिखता है हमारे को बनारसी दास जी का जीवन। प्रेरणा लेनी चाहिए इनके जीवन से। चोर चोरी करके भी ले जा रहा है तो भी कोई बात नहीं, जिस द्रव्य को जहां जाना होगा वहां जाएगा। बच्चे मर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, अरे कोसने लग जाए लोग आस पड़ोस वाले कि कैसा है, उनकी पत्नी और उनके परिवार वाले ही कोसने लग जाए कि कैसे व्यक्ति है, हमारे बच्चों को मार रहे हैं, मार दिया। लेकिन नहीं, दृढ़ता इतनी थी, मिथ्यात्व नहीं होगा। वीतरागी जिनेन्द्र देव के आराधक हैं, उनके भक्त हैं, उनके सेवक हैं, इनके अलावा किसी और के आगे हमारा मस्तक नहीं झुकेगा। जिनेन्द्र देव के अलावा किसी के आगे हमारा मस्तक नहीं झुकेगा। और आज तो देखो आप कहानियां इसी तरह की बनने लग गई है, सब चारों तरफ देखो तो माहौल ही इसी प्रकार का दिखाई देता है। और धर्म के नाम पर भी वो बच्चों को जो बचाने की बात थी बनारसी दास जी के, ये बात धर्म के नाम पर ही तो थी ना। हम लोग धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं करते हैं, बोलो। पता नहीं कौन कौन से तो व्रत होने लग गए हैं, कौन कौन सी विकृतियां आ गई है धर्म के नाम पर।
ये सब बढ़ चढ़ करके होने लग गए हैं ये सब काम। मेरे से किसी ने कहा भी क्या कि कल एक पर्व है तो आज आप उसके बारे में कुछ कहानी सुनाएंगे क्या? क्या कौन सा पर्व है? दस लक्षण पर्व शुरू हो रहे हैं अपने तो दो दिन बाद है? तो कल कौन सा पर्व है भाई? कौन सा? रोड सीज है। क्या क्या होता है इस पर्व पे? क्या होता है मुंह काटे पीते? आप जानते हैं जैन पर्व क्या होते हैं? हमारे जैन पर्व त्याग के पर्व है। हमारे जैन पर्व भोग के पर्व नहीं है। हमारे जैन शासन में जैन पर्वों को मनाने की पद्धति पूरी दुनिया से अलग है। हिंदू हो चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म संप्रदाय वालों की बात कर लो, उनके यहाँ त्योहार और पर्व कैसे मनाए जाते हैं और हमारे यहाँ पर्व और त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, इन दोनों में एक बार अंतर देख लो आप तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे पर्व कैसे हैं। भोग के नहीं त्याग के पर्व हैं, संयम के पर्व हैं, खाने पीने के नहीं खाना पीना छोड़ने के पर्व हैं, लड्डू मिठाई पकवान बनाने के नहीं पकवान त्याग देने के पर्व हैं। बोलो 10 दिन छोड़ेंगे ना आगे हैं? आगे 10 लक्षण जी के अंदर व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, छोड़ेंगे तो फिर क्या करें? पहले ही खा लो रोट बनाएंगे। ऐसी ऐसी मिथ्या मान्यता भगवान को ले जाकर के चढ़ाते हैं। हमारे घर में भी चलती थी परंपरा, क्या बंद है पिछले 20-25 साल से, जब से समझ हो गई तब से बंद कर दिया। क्या मंदिर में ले जाकर के चढ़ाते थे? बोलो। और ये कहकर के चढ़ाते थे, फिर बहुत समय तक तो ये चलने लगा कि अपने लिए थोड़ी ना, अपन तो समझते हैं भगवान नहीं खाते, लेकिन अपन तो वो जो मालन है ना मंदिर की, वो काम करने वाले हैं उनके लिए हो जाता है। फिर धीरे धीरे सब छुड़वा दिया मैंने। भाई ये गलत परंपरा नहीं चलेगी। ऐसे देखो 13 के दिन हैं, गटका 13 कहते हैं लोग, जानते हैं आप? अनंत चतुर्दशी के पहले दिन मुझे पता है आपके घर में क्या बनेगा? चूरमा ला पार्टी बनेगा हैं? वो चतुर्दशी के दिन उपवास करना है तो 13 के दिन इतना गरिष्ठ भोजन कर लो निकाल जी कि वो 14 के दिन भूख ही नहीं लगे अपने को, या उस दिन का काम हो जाए। ऐसे पर्व हैं अपने, इस तरह से होता है काम। इसका नाम धर्म है और धर्म के नाम पर नहीं कर रहे हैं हम लोग। खाने पीने की चीजें मंदिर में चढ़ाई जाती है, जो हम खाते हैं वो मंदिर में चढ़ाते हैं। मंदिर में सिर्फ चावल चढ़ाए जाते हैं और चावल भी प्रतीक है और चावल भी पकाए हुए नहीं, कच्चे। और ये इस बात का प्रतीक है कि दोबारा जन्म नहीं होता। चावल के ऊपर का छिलका यदि उतर जाता है तो उसके बाद वो चावल जमीन में बोने पर उगता नहीं है, इस बात का प्रतीक है वो। और ये ऐसा भोजन, पकाया हुआ भोजन लाकर के भगवान के सामने चढ़ाएं। और फिर देखो इतना ही नहीं, अभी तो ये तो अवर्णवाद है उनका। और सुनो बात तो क्या है, आप बनाएंगे और आप खाएंगे साथ तक तो ठीक है, अभी आप बुलाएंगे आपने अपने आस पड़ोस वाले लोगों, आप बुलाएंगे जो लोग जैन नहीं है उनको अपने घर में भोजन करने के लिए है। क्यों? क्योंकि आज तो हमारे त्योहार है। कौन सा त्योहार है? रोट तीज। और खूब घी बूरे में चूरकर हैं, खीर बनाकर और रोट बना करके खाएंगे भी और खूब भर पेट उनको खिलाएंगे भी, उनको भी पता लगे कि हमारे यहाँ भी त्योहार ऐसे भूखे मर के नहीं होते, खूब खा पी के मनाए जाते हैं। ये क्या कह रहे हो आप, क्या संदेश दे रहे हो और लोगों को? अभी सुधा सागर जी ने वहाँ किशनगढ़ में, अभी उन्होंने वहाँ बंद करवा दिया रोड चीज समाज में, आग्रह पूर्वक प्रतिज्ञा दिला दी सबको। और ये खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज की है ये,
रीति और कहीं नहीं है। हम लोग तो जाते हैं ना पूरे देश में सब जगह, तो कहीं नहीं होता है। अनेक बार तो तिथियां एक ही दिन का फर्क होता है पंचमी और उसमें, तो तीज के दिन ही जाते हैं हम, तीज के दिन ही पहुंचते हैं, तो कहीं नहीं होता है ऐसा। और कई कई जगह तो ऐसा भी होता है कि वहाँ जो अपने खंडेलवाल जैन कुछ होते हैं वो कहते हैं आज तो पंडित जी अपने रोड तीज है, आज तो हमारे यहाँ लेना है आपको भोजन। अरे भाई ये नहीं है, फिर कथाओं से जोड़ दिया, कहानियों से जोड़ दिया, अनगणंत कथाएं उनके साथ में जोड़ दी गई। ये भोग के नहीं त्याग के पर्व है। ये शुरुआत किससे कर रहे हो आप, छोड़ करके करो। हाँ ये बात अलग है, हमने ऐसी भी परंपरा देखी है कि घरों में वो जो तीज का जो दिन है उस दिन, क्योंकि एक दिन का गैप रहा ना, तो आटा है, मसाले हैं, सब नए पिसते हैं, किचन पूरी दोबारा धुलती है, है? और उसमें रंगोली आदि बना करके उसे सजाया जाता है, पर्व है हमारे, वो सब उस बात का प्रतीक है। बहुत उत्सव और उत्साह है अपने हृदय में, तो उस बात का प्रतीक है। लेकिन ये दस लक्षण पर्व जो भोग के नहीं त्याग के पर्व हैं, हम इस तरह से शुरुआत करें ये तो ठीक नहीं है। इसकी जो कथा और कहानी है सो मेरे को सुनाने की बात कही थी, सो पड़पड़ा लगा, लेकिन क्या दम है उसमें। हमारी कहानियाँ तो गीतराग्ता की पोषक होती हैं, वही कहानियाँ। देखो हमने प्रथमानुयोग की चर्चा पढ़ी थी दो चार दिन पहले, दो तीन दिन परसों की बात है। प्रथमानुयोग किसका नाम, कहानियाँ वे सार्थक हैं जो कहानियाँ अंत में त्याग तक ले जाए, वो प्रथमानुयोग है। आप उन कहानियों को श्रेष्ठ नहीं कह सकते हो जो भोग की प्रेरणा दे रहे हो, जो खाने पीने की प्रेरणा दे रहे हो, जो मौज मस्ती की प्रेरणा दे रहे हो। और आज तो दस लक्षण पर्व का भी माहौल कैसा बिगड़ गया है मैं कह नहीं सकता। आंखों से देखते हैं तो लगता है ये हो क्या रहा है। ये जो दस दिन संयम से रहने के प्रतीक थे उनमें असंयम हो रहा है। क्या क्या अर्थ नहीं होते बोलो। दस दिनों में ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते हैं जिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंदर नाच गान होगा, मौज मस्ती होगी। अरे कहीं कहीं तो डांडिया का प्रोग्राम, गीत संगीत का प्रोग्राम, और ऐसे कवि सम्मेलन रखेंगे जिसमें जैन अजैन कवियों को भी बुलाएंगे और वो बहुत खा पी करके रात को और श्रृंगार रस से भरे हुए ऐसे काव्य सुनाएंगे जो जगत के जीवन को आकर्षित करेंगे और रात रंग में फंसाने की बात सोचेंगे। और लोग भीड़ इकट्ठी होगी, लोग उमड़ेंगे उनमें, और भक्ति संगीत के कार्यक्रम होंगे और उनमें फिल्मी गाने गाए जाएंगे। युवा वर्ग के लोग, क्या युवक युवतियाँ स्टेज पर खड़े होकर के नाचेंगे, नाच गान होगा, ये सब चलेगा दस लक्षण पर्वों में। भीड़ इकट्ठी करने के नाम पर गेम होंगे, खेल होंगे, और उन खेलों में क्या होगा, लौकिक बातें, ज्ञानवर्धक नहीं। भीड़ कैसे इकट्ठी की जाए, बस ये काम खेल जैसा। ऐसी ऐसी प्रतियोगिताएं जिन प्रतियोगिताओं से धर्म का कुछ लेना देना नहीं है, न धर्म का लेना देना है, न ज्ञान का लेना देना है, न समझ है, न विवेक है, बस सिर्फ ये भीड़ इकट्ठी करो और हुड़दंग होंगे, हुटिंग होगी, और ये सब चलते हैं जगह जगह। देखो आप मंदिरों के दरवाजे पर भीड़ लगी रहती है, बाइक में बैठे रहते हैं जवान लड़के लड़कियाँ, घूमते फिरते हैं बस इधर से उधर, ये चलता रहता है। धर्म होना है, दस लक्षण जी चल रहे हैं, धर्म ही तो करना है अपने को। और बीच में एक और पर्व आ जाता है दस लक्षण के बीच में, जैसे कहते हैं उत्तम संयम पर्व। कौन सा पर्व है उत्तम संयम? वो संयम का पर्व है, और उनमें सबसे ज्यादा असंयम तो उसी दिन दिखता है। बोलो संयम मतलब क्या है? आपको पता है चक्रवर्ती जैसों की रानियां, चक्रवर्ती के घर में क्या कमी होगी बताओ मेरे को? चक्रवर्ती के घरों में कुछ कमियां होती है क्या? हमारा सारा श्रृंगार वो दस लक्षण पर्व के दिनों में होता है। पड़वा के दिन होगा, धूप दशमी के दिन होगा, मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाएंगे, वहाँ जाकर के धूप चढ़ाएंगे और लॉकर खोल दिए जाएंगे और सारे गहने उन्हीं दिनों में निकलेंगे, पहनेंगे महंगी महंगी साड़ियाँ और प्रदर्शन। ये काय का प्रदर्शन कर रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ चक्रवर्ती सम्राट की रानियाँ जब दस लक्षण पर्व और अष्टानिका जैसे पर्वों में जिन मंदिर के लिए निकलती थी,
सफेद साड़ी पहनकर और श्रृंगार रहित आभूषणों रहित किसी प्रकार के कोई जेवर नहीं होंगे, गहने नहीं होंगे, श्रृंगार नहीं होगा, साधन सुविधाओं की कमी नहीं है, ऐसे ऐसे चित्रण किए हैं हमारे ग्रंथकारों ने कि वे जब उनकी पत्नियां घर से राजमहल से निकलती थी सफेद साड़ी पहनकर तो जगत के लोगों को ऐसा लगता था जैसे आर्य गांव का संग चल रहा हो। वो आदर्श है हमारे लिए, वो परंपरा है हमारी परंपरा। संयम का दिन है और असंयम का पोषण हो रहा है, श्रृंगार का पोषण हो रहा है। ये श्रृंगार की कविताएं बनारसी दास जी ने भी लिखी 14 वर्ष की उम्र में, लिख रहे हैं आगे नीचे देखो आप यहां आत्मानुभवी थे। काव्य प्रतिभा तो आपको जन्म से ही प्राप्त थी, 14 वर्ष की उम्र में आप उच्च कोटि की कविता करने लगे थे, 14 वर्ष की उम्र में ही उच्च कोटि की कविताएं लिखने लगे थे, पर प्रारंभिक जीवन में श्रृंगारिक कविताओं में मग्न थे बनारसी दास जी। जैसे जैसे तरुण अवस्था से युवावस्था की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे वो श्रृंगार रस और उसकी कविताएं, उसके छंद दोहे, जैसे बिहारी के दोहे हैं ना, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये बनारसी दास जी के भी ऐसे छंद खुद ने लिखा है। ऐसे ऐसे छंद हैं जगत के जीवों को आकर्षित करने वाले। और इनकी सर्वप्रथम कृति नवरस, इन्होंने लिखा 800,000 से ज्यादा दोहे लिखे थे उस कृति में, 14 वर्ष की उम्र में तैयार हो गई थी, जिसमें अधिकांश श्रृंगार रस का ही वर्णन था। यह इस रस की एक उत्कृष्ट कृति थी और विवेक जागृत हो जाने पर कवि ने गोमती नदी में बहा दी। बोलो क्या किया बनारसी दास जी ने, और श्रृंगार रस की कविताएं लिखी, छंद लिखे, दोहे लिखे, और जब समझ जागृत हुई तो रहने दो ना, तो लिखी थी उसको कि नहीं दूसरों के हाथ पड़ेंगे तो क्या होगा। क्या उसी काल की भूधरदास जी की 4 पंक्तियां हैं, भूधरदास जी बहुत सुंदर रचनाएं उन्होंने लिखी है, और उन्होंने ऐसा लिखा है श्रृंगार रस की कविताओं का चित्रण करने वालों के संदर्भ में, उन्होंने कहा कि तापर और रचे रस काव्य, रस काव्य करने वालों की निष्ठुरता के चित्रण संबंध में उन्होंने पंक्तियां लिखी है। ऐसी पंक्तियां हैं उनकी, राग उदय जग अंध भयो सहज सब लोगन लाज गवाई। क्या क्या कह रहे, राग के उदय से सारा जगत अंध हो गया है, लाज गंवा दी है सबने। राग के उदय से, कौन से समय की घटना है, 400 साल पहले की छंद है, 400 साल पहले के अंधे लोग और आज के समय में जिन्होंने लाज शर्म खोदी है, ऐसे अंधे लोग, जमीन आसमान का अंतर नहीं होगा। बोलो 70-80 के दशक की जो पिक्चर हैं उन पिक्चरों की वेशभूषा है और उनका चित्रण, और आज जो पिक्चर देखते हैं आप उनमें आपको जमीन आसमान का अंतर नहीं दिखता है। मैं तो 400 साल पहले की बात कर रहा हूं, और 400 साल पहले भी, और उन्होंने जो बातें लिखी है भूधरदास जी ने वो बातें किनके लिए लिखी, राग का तीव्र उदय जिनके जीवन में दिखता है और श्रृंगार रस की कविताएं जो लोग लिखते हैं वो लोग क्या काम कर रहे हैं, ये अंधे लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। क्या पंक्तियां हैं उनकी, बनारसी दास जी ने ऐसा काम नहीं होने दिया, जो गलती हो गई थी ये हो गई थी, अरे इतनी मेहनत करके ऐसी रचनाएं लिखी है आपने और उनको चलने दो, पढ़े रहने दो, फिर क्या होगा, तुम्हारा स्वर्गवास हो जाएगा और फिर उसके बाद में उसको किताब लेकर के उसको छाप देंगे और फिर वो रेलवे स्टेशनों पर बस स्टैंड पर बिकेंगी और लोग खरीदेंगे और अपने राग रंग का पोषण करेंगे, फिर क्या होगा। राग उदय जग अंध भयो सहज सब लोगन लाज गवाई, सीख बिना नर सीख रहे विषयादिक भोगन की चतुराई। बिना सिखाए विषय भोगों को भोगने के लिए ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है,
उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए कक्षाएं लगाने की जरूरत नहीं है, उनके उपदेश देने की जरूरत नहीं है। सीख बिना नर सीख रहे विषय अधिक भोगन की चतुराई, और तापर और रच रस काव्य का कही है दिन की निठुराई। उस पर और अधिक रस काव्यों की रचना कर दी जाए, उनकी निष्ठुरता के बारे में हम क्या कहें। उसी जमाने की है जिस जमाने में बनारसी लाल जी ने अपनी उस श्रृंगार रस की कविताओं को गोमती नदी में बहा दिया था। तापरे और रचे रस काव्य का कही है दिन की निठुराई, और अंध असुजन की अखियन में झोंकते हैं रज राम दुआई। अंधे असुजन है, आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत प्रकाश की जो झलक चमक जो दिखाई देती है उनकी आंखों में भी धूल झोंकने का काम करते हैं। ये जगत के जीव तो पहले ही फंसे हुए हैं, राग रंग में उलझे हैं, इनको तो वही रचता पचता है, वही रुचता है। और दस लक्षण जैसे महापर्व के दिनों में भी हमने ऐसे ही काम करके उनको और आकर्षित किया, बुलाया और उसी राग रंग का पोषण किया, टीवी देखने से बचाया और यहाँ आकर के उसी तरह के राग रंग में उलझा दिया। फिल्मी गाने, फिल्मी धुन, क्या क्या नहीं होता है, क्या कहें उनके बारे में, कितनी चर्चा करें। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है, युगल जी बाबू जी जो थे जिनकी पूजन अपन ने पढ़ी थी कुछ दिन पहले, देवशाल गुरु पूजन, वो तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सख्त विरोधी थे। और पता है क्या, किसलिए आपको करना हो रखना हो तो आप पहले रखो और बाद में प्रवचन रखो। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर भीड़ इकट्ठी करो और फिर उनको प्रवचन सुनने के लिए बिठाओ। लेकिन होता क्या है, पहले तो रखते हैं प्रवचन, कि धीरे धीरे प्रवचन के नाम पर लोग आते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं क्या, और फिर बाद में रखते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। वो कहते थे तुम्हारे सांस्कृतिक पूरे कार्यक्रम ये उस प्रवचन को धो डालते हैं, धुल जाता है वो पूरा का पूरा प्रवचन। पौन घंटे एक घंटे जो आपने प्रवचन में बात सुनी है उसके बाद में विदाउट एनी गैप तुरंत आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू कर दिया तो जो एक घंटे जो बात सुनी थी वो पूरी की पूरी बात साफ हो गई। सुनने के बाद में विचार करने का तो अवसर ही नहीं मिला, सुनने के बाद में चांस ही नहीं मिला आपको, श्रृंगार का काम नहीं होगा। तापर और रचे रस काव्य का कही है दिन की निठुराई, अंध असुजन की अखियन में झोंकते हैं रज राम दुहाई। क्या करना है बोलो, और धूप कहते हैं, क्या क्या करते हैं, अग्नि में डालते हैं, जीवों को मारने की, कई लोग साफ साफ ही बोलते हैं इससे सब सारे जीव जंतु मर जाते हैं, सब मक्खी मच्छर सब मर जाते हैं सब मंदिरों की। क्या कर रहे हो आप, मंदिर में खड़े होकर के मारने की प्रेरणा दे रहे हो, मारने का उपदेश दे रहे हो, जहाँ भोजन को मर्यादित करने की बात कर रहे हो, है मर्यादा का आटा खाने की बात कर रहे हो, मर्यादा के मसाले खाने की बात कर रहे हो, क्यों, क्योंकि पिसी हुई चीज की अपनी एक मर्यादा है और उस मर्यादा के बाद में उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और उस अमर्यादित धूप को उठा करके आपने अग्नि में झोंक दिया, माने वो जीवों के समुदाय, जीवों के पुंज को उठाकर आपने अग्नि में झोंक दिया, त्रस जीवों को अग्नि में झोंक करके जला करके मार देने का काम कर लिया हमने। कौन से दिन, दिन कौन सा है, संयोग से उत्तम संयम धर्म का दिन, दशमी का दिन, यही पर्व है हमारे, ये संयम धर्म के दिन असंयम का काम कर रहे हैं हम, यही करेंगे ना सब, ऐसे ही तो मनाएंगे अपन अपने पर्व। फिर तेरस के दिन खूब लड्डू पकवान खाएंगे और चौदस के दिन उपवास करेंगे, चौदस के दिन उपवास करेंगे और उसके अगले दिन सुबह उठते ही पहले टूट पड़ेंगे भोजन पर। खलश होते हैं यहाँ तो, जयपुर और बाहर भी होते हैं कहीं कहीं, लेकिन जयपुर में तो हाल ही बेहाल है, क्या कहें आप। अनंत चतुर्दशी का दिन, पड़वा का दिन है, दो दिन कलश होते हैं, पंचामृत होते हैं, उसकी विकृति की तो क्या चर्चा करें हम। जो चीज़ हम खुद खाते पीते नहीं हैं वो चीज़ भगवान के ऊपर डालें, ये तो परंपरा ही नहीं है हमारे यहाँ की। लेकिन फिर भी जो जल से भी यहाँ होते हैं क्या, वहाँ भी रात्रि को होने लगे। जयपुर के 90% दिगंबर जैन मंदिरों में रात्रि अभिषेक हो रहे हैं,
क्या करें? रात्रि में अभिषेक, बुद्धि फिर गई है क्या? क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है? पंचलोग नहीं आते टाइम पर, क्या करें? पंचों को टाइम नहीं है ना जल्दी आने का, क्या करें? रात्रि में अभिषेक, कभी किसी जैन मंदिर में पूरे साल भर सुना है आपने रात को अभिषेक हुए हो? किसी भी जैन मंदिर में, दिगंबर जैन मंदिर में रात्रि को अभिषेक पूरे साल भर कभी नहीं होते, और वो पर्व के दिन में होंगे है? कुछ ठिकाना नहीं है, माल बोली जाएंगी, बोलियां बोलेंगी, और मान कषाय का पोषण होगा, एक दूसरे को नीचे गिराने की भावना होगी है? और फूलों की मालाएं जो प्रयोग करने योग्य नहीं है, छूने योग्य नहीं है, कहा था ना हमने तो शादी में नहीं पहनी, मंदिर में उपयोग में लाते। कहाँ तक बातें करूँ बोलो मैं, कितनी बातें कहूँ आपसे। ऐसे प्रसंग बनारसीदास जी के जीवन को देख करके थोड़ा सा ऐसा दिखने लगा अपने को, जगह जगह महाआरतियाँ होंगी, 108 दीपकों से हो रही है, 1008 दीपकों से हो रही है, क्यों? एक हाथ से काम नहीं चलता, 1008 से हुई। लोगों को खाने को घी नहीं मिल रहा है, हिंदुस्तान में इतनी दरिद्रता है, ओढ़ने पहनने को कपड़े नहीं है, और हम बर्बाद किए जा रहे हैं धर्म के नाम पर। कितना धर्म हो जाएगा उससे बोलो, भगवान ज्यादा खुश होंगे? 1 दीपक जलाओ, 1008 दीपक जलाओ, 1008 में ज्यादा दीपक जलने से ज्यादा खुश होंगे, 108 में ज्यादा होंगे। और फिर धक्का लगता है, टक्कर लगती है, घी ढुलता रहता है, ऐसे दृश्य देखे हैं हमने महावीर जी में, नीचे घी ऐसे ऐसे पड़ा रहता है जमीन पर, बहता रहता है घी, बह रहे हैं नीचे, फिसलते हैं, खड़े रहना दुर्लभ दिखता है, पांव ऐसा रखते हैं कि आप घी पर चल रहे हैं हम लोग, और बाहर गरीब आदमी को अंदर आने की परमिशन नहीं है, भूखों को मिलता नहीं है, और आप कर क्या रहे हो? ये सब धर्म हो रहा है, धर्म 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 के नाम पर कर रहे हैं हम, 10 अक्षर पर भी चल रहे हैं, भाजवा चल रहा है, भाजवे के नाम पर कर रहे हैं ये सब हम, ये नई नई विकृतियां। नाच गान की तो परंपरा बहुत बढ़ गई है, चलिए थोड़ा कहा है, थोड़ा समझ लेना, और क्या कहें, ज़्यादा क्या कहें आपसे इन सब बातों के संबंध में। गाने के लिए देखना आप, अभी नीचे पोस्टर वगैरह मिल जाएंगे आपको, 10 अक्षर जी के कार्यक्रम और संगीत का कार्यक्रम, और बुलाएंगे, और तबले वालों को, ढोलक वालों को, बजाने वालों को, और सब रात को भोजन करने वाले, शराब पीने वाले, नॉनवेज खाने वाले, वो सब आ करके वो सब, और वो ऐसे ऐसे लोग हैं सुनाए, वो जब तक पीते नहीं है तब तक उनकी आवाज़ गले से निकलती नहीं, वो गा ही नहीं सकते। अपने को उत्सव मनाना है, और हजारों लाखों रुपया उनके ऊपर खर्च करेंगे। भोग के नहीं त्याग के पर्व है, वैभव प्रदर्शन के नहीं संयम के पर्व है, प्रदर्शन के नहीं सादगी के पर्व है। हरी नहीं खाते हम लोग, त्याग कर देते हैं, लोग 10 दिन के उपवास करते हैं, जिनके 10 दिन से उपवास नहीं होते हैं वो 10 दिन तक एकासन करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी के उपवास करते हैं, यथासंभव बाजार आदि की वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। कितना संयम से हम काल बिताना चाहते हैं, और उसमें एक क्रियाएं हमारी कैसी होती है, असंयम की होती है। संयम होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, हमारे जैन धर्म की कोई भी क्रियाएं और कोई भी पद्धति बिना विवेक के नहीं है, विवेक शून्य काम नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम है आज मेरे द्वारा कही गई ये बातें कई लोगों को पसंद ना भी आए, क्या यहाँ वाले लोगों में तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ ऐसी, लेकिन सुनते हैं ना देश विदेश में, दुनिया भर में, सब तरफ, बाहर भी तो सुनते हैं सारे लोग। हो सकता है किसी को पसंद नहीं आए, हो सकता है किसी को बुरी भी लगे, लेकिन भाई विचार करने की बात है, विचार करना। बात किसी के लिए चुभती हुई कहने की बात नहीं है, बात तो समझ की चल रही है, हम समझें तो सही जैन धर्म किसका नाम है। और हमारी तो ये श्रृंखला यही चल रही है, जैन धर्म क्या है, हम धर्म को समझें, हम धर्म ही नहीं समझ रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसके बारे में समझ रहे हैं यही धर्म है। धर्म के नाम पर हर व्यक्ति उपदेश देने को तैयार हो जाता है, हर व्यक्ति समझने, हम समझते हैं सब धर्म क्या होता है, यही धर्म है बस, खाओ पियो मौज करो, यही तो धर्म है, और धर्म क्या होता है। अरे जैन धर्म दूसरे धर्मों से अलग है कुछ, उनके यहाँ त्यौहार के दिनों में पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, और हमारे यहाँ त्यौहार के दिनों में उपवास करते हैं,
ये हमारे त्यौहार ऐसे होते हैं, आपने क्या समझ लिया। चलो पूरा करता हूँ इस चर्चा को मैं। तो बनारसी लाल जी ने ये जो विकृतियाँ जो थी इन सब का क्या किया, छोड़ा, अपने जीवन की विकृतियों को छोड़ा। बनारसी लाल जी की रचना देखो कौन कौन सी रचनाएं हैं। एक रचना तो इनकी हो गई नवरस नाम से, जो आपकी रचना थी श्रृंगार रस का वर्णन जिसमें आपने किया था और उसको आपने घूमती नदी में बहा दिया, स्वयं ने बहा दिया। पुरुषार्थ चाहिए, हिम्मत चाहिए, बहुत मेहनत और उत्साह से आपने कोई चीज़ बनाई हो, कर सकते हो आप ऐसा। गलत चीज़ बन गई आप फेंक सकते हो उसको, आप बहा सकते हो उसको नदी में। अंदर की दृढ़ता चाहिए, इनसे सीखने को मिलता है कि दृढ़ था उनका जीवन। इसके पश्चात आपका जीवन अध्यात्ममय हो गया और उसके बाद की रचित चार रचनाएं वो प्राप्त हैं जिनमें नाटक समय सार, बनारसी विलास, नाममाला तथा अर्ध कथानक, ये चार रचनाएं हैं उनकी। नाटक समय सार अमृत चंद्राचार्य के कलशों का एक तरह से पद्यानुवाद है। समय सार के ऊपर कलश लिखे ना आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने, उन कलशों का भावानुवाद है। किंतु बनारसी दास जी की मौलिक सूझबूझ के कारण इसके अध्ययन में स्वतंत्र कृति जैसा आनंद आता है। नाटक समय सार चलाया ना हमने यहाँ बहुत साल से। यह ग्रंथ राज अध्यात्म रस से सराबोर है। अर्ध कथानक इनकी एक और रचना, हिंदी भाषा का सर्वप्रथम आत्मचरित्र है ये पढ़ने योग्य है हर व्यक्ति के लिए। अर्ध कथानक पढ़ो आप बनारसी दास जी की रचना, 400 साल पहले हिंदी साहित्य में लिखी गई पहली आत्मकथा जिसमें अपने गुणों और दोषों का भी खुले हृदय से स्पष्ट चित्रण, अपनी लाइफ की कमजोरियों का भी चित्रण किया, विकृतियों की भी बात कही उन्होंने, अपनी गलतियों को भी उन्होंने खुले हृदय से खुली लेखनी से उन्होंने लिखा है। अर्ध कथानक प्रथम आत्मचरित्र है जो कि अपने आप में एक प्रौढ़तम कृति है। इसमें कवि का 55 वर्ष का जीवन आईने के रूप में चित्रित है। आईने के रूप में चित्रित है का मतलब समझ गए आप, आईने में धोखा नहीं होता, मिरर कभी धोखा नहीं देता आपको। आप सामने जाओ क्या, आप कितना भी महंगा दर्पण खरीद करके लाओ, आपके चेहरे की झुर्रियां उस दर्पण में साफ झलकेंगी कि नहीं। नहीं साहब, इतना महंगा खरीद करके लाए हैं तो इसको तो अच्छा दिखाना चाहिए, कम से कम इतने पैसे खर्च किए हैं। नहीं, ये बेईमानी नहीं करता, जो है वो दिखाएगा, सत्यता का दिग्दर्शन कराएगा। तो ये दर्पण की तरह आईने की तरह आपने अपने चरित्र का, अपने जीवन चरित्र का, अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं का चित्रण किया है। बनारसी विलास कवि की अनेक रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है बनारसी विलास, और नाममाला जो है वो कोश काव्य है। कवि अपनी आत्म साधना और काव्य साधना दोनों में ही बेजोड़ हैं। इस तरह से ये जो पाठ सप्त व्यसन, ये जो हमें यहाँ प्रारंभ करना था, ये पाठ बनारसी दास जी के समय सार नाटक को आधार बना करके लिखा गया है। और इस प्रसंग पर हमने बनारसी दास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व संबंधी थोड़ी बहुत बातें आपके सामने की है। अपने जीवन में इस व्यक्तित्व को देखकर अपने जीवन में जो उपलब्ध विकृतियां हैं उन्हें हम सुधारने का प्रयास करें, कमजोरियों को सुधारने में दृढ़ बने, लोकलाज की बात नहीं करें, इसमें शर्म का सवाल नहीं है, इसमें मेरे जन्म मरण और मेरे भविष्य का सवाल है। तो मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की यदि कोई विकृतियाँ हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से सुधारने की भावना बाता हूँ, संकल्प लेता हूँ, क्योंकि यदि अपनी विकृतियाँ अपन नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा। हमारी तो जन्म मरण का सवाल है ना, हमारी तो जीवन मरण का सवाल है। और देखिए, अन्य क्षेत्र में यदि कहीं पाप किए हों तो धर्म क्षेत्र में आकर के धुल जाते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र में ही आकर के पाप कर लिए जाएं तो फिर कहाँ जाकर धुलेंगे। विचार करना, सप्त व्यसन का भी जो इन्होंने चित्रण किया है बहुत मार्मिक चित्रण किया है,
व्यवहारिक चित्रण भी है और उनका आध्यात्मिक पक्ष भी बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है। कल हम सप्त व्यसन वाले पाठ को पूरा करेंगे। आज की बात को यहीं विराम देता हूँ।